गाजियाबाद की बेटी ने दुनिया में कमाया नाम। साइबर दुनिया में बेटी कामाक्षी शर्मा का धमाल। पुलिस को ऑनलाइन अपराधियों से निपटने के लिए किया तैयार। हैकर्स के लिए ये बेटी बन गई है कार। कौन है ये बेटी जिसका फिल्मों में भी आया नाम? यूपी के जिला गाजियाबाद की निवासी कामाक्षी शर्मा, जिसने साइबर अपराध रोकथाम के लिए दुनिया में कमाया है बहुत बड़ा नाम और अब हासिल करने जा रही है एक और बड़ी उपलब्धि। जी हाँ, जिस गाजियाबाद की बेटी कामाक्षी शर्मा का साइबर अपराध पर लगाम लगाने वालों में टॉप पर नाम लिया जाता हो, अब उनके साथ एक नई जो उपलब्धि जुड़ने जा रही है वो है उनका फिल्मी दुनिया में नाम होना। अब उनके जीवन की उपलब्धि पर देश के जाने माने निर्माता दीपक मुकुट फिल्म बनाएंगे। दीपक मुकुट वही जिन्होंने अब तक सोहम रॉकस्टार एंटरटेनमेंट की धाकड़, मुल्क, अपने 2, शादी में जरूर आना और सनम तेरी कसम जैसी फिल्में बनाई। अब उन्हीं दीपक मुकुट ने कामाक्षी को मुंबई बुलाकर उनसे उनकी बायोपिक बनाने की परमिशन लेकर हस्ताक्षर करवा लिए। कामाक्षी का रियल लाइफ में रोल इतना मजबूत है कि उनकी जीवनी पर जल्द बनने वाली फिल्म में कोई बड़ी एक्ट्रेस ही कामाक्षी का रोल निभाती नजर आएंगी। मध्यम वर्गीय परिवार से इस मुकाम तक पहुंचने के लिए तमाम उतार चढ़ाव और साइबर अपराध की रोकथाम तक का हर पहलू उन्होंने देखा। कामाक्षी के जीवन पर आधारित इस फिल्म के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिलीज होने की खबर सामने आ रही है, ताकि साइबर अपराध की रोकथाम में भारत का नाम विश्व पटल पर चमक सके। ऐसे में अब यहाँ ये जानना जरूरी है कि जिन कामाक्षी शर्मा को लेकर प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं उनकी शख्सियत कितनी प्रभावी हो सकती है। तो चलिए जानते हैं कौन है कामाक्षी शर्मा। कामाक्षी शर्मा करीब 26 साल की एक महिला। 23 साल की उम्र में उन्होंने साइबर क्राइम के खिलाफ लोगों को जागरूक करने का काम शुरू किया। कामाक्षी ने 10वीं और 12वीं की पढ़ाई गाजियाबाद के निजी स्कूलों से की, फिर गढ़वाल यूनिवर्सिटी से बीटेक किया। यहाँ पढ़ाई के दौरान उन्होंने एथिकल हैकिंग की परीक्षा पास की थी, जिसके बाद से वो लगातार साइबर क्राइम पर काम करती रही। गृह मंत्रालय से उन्हें नेशनल पुलिस ग्रुप नाम का मिशन हासिल हुआ है, जिसके तहत जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक 30 से ज्यादा शहरों में कामाक्षी ने राज्य में तैनात आईपीएस अफसर और 35,000 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को साइबर क्राइम की ट्रेनिंग दी। मकसद सिर्फ एक कि पुलिस को साइबर क्राइम पर लगाम लगाना आ जाए। कामाक्षी कहती हैं, अब तक हम अमेरिका, चीन, रूस, जर्मनी समेत कई देशों को साइबर एक्सपर्ट के तौर पर जानते हैं, लेकिन भारत भी दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपर्ट बन सकता है। हमारे देश में बहुत तेजी से लोग इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे होने वाले साइबर क्राइम से बचने की ललक भी उनके अंदर है। जागरूकता के बाद साइबर ठगी से बचा जा सकता है। कामाक्षी ने यह भी कहा कि उनका सपना है कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए जहां पर देश भर नहीं बल्कि विदेश की भी पुलिस जुड़ी हुई हो और साइबर क्राइम को रोकने के लिए हर चीज उस प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो। कामाक्षी कहती है, जिस तरह से साइबर क्राइम इस वक्त बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हैकिंग, साइबर बुलिंग जैसे मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी से इन सब चीजों से बचा जा सकता है। साल 2019 में कामाक्षी ने जम्मू से कन्याकुमारी तक 1 महीने का अभियान चलाकर आईपीएस समेत कई पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षण दिया। इससे पहले उनका नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। कामाक्षी ने साल 2019 में 9 सितंबर से अक्टूबर तक जम्मू से यात्रा आरंभ की थी। यात्रा जम्मू से पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होते हुए 13 अक्टूबर को कन्याकुमारी में खत्म हुई। कामाक्षी ने 50,000 पुलिस कर्मियों को साइबर अपराध की जानकारी दी है। कामाक्षी तो अलग अलग देशों में भी जाकर ट्रेनिंग दे चुकी हैं। कामाक्षी अब तक करीब 5,000 से ज्यादा साइबर क्राइम के मामले सुलझा चुकी है। वो साइबर क्राइम के खिलाफ लड़ाई, जांच समेत 5,000 से ज्यादा साइबर क्राइम के मामलों को हल करने का रिकॉर्ड बनाने वाली पहली महिला है। कामाक्षी को कई अलग अलग सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। उनको इंदौर में जो सम्मान दिया गया था उसमें केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, बॉलीवुड के जाने माने सिंगर उदित नारायण और समीर रंजन मौजूद थे। साल 2017 में कंप्यूटर साइंस में कामाक्षी ने बीटेक किया था। अब वो एक साइबर क्राइम एक्सपर्ट बन चुकी हैं। उन्होंने पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश न करके साइबर ठगी से बचाने के लिए देश भर में लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाया। वो किसी संस्था से तो नहीं जुड़ी हैं। उनके पास जॉब के भी कई ऑफर्स हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई ऑफर स्वीकार नहीं किया है। अभी तो वो गृह मंत्रालय की तरफ से दी गई जिम्मेदारियों का ही निर्वहन कर रही हैं। तो ये है कामाक्षी शर्मा, जिन पर अब तो फिल्म भी बनने जा रही है, जिसकी तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आपको कामाक्षी शर्मा ने किस तरह से प्रभावित किया? मात्र 25-26 साल की कामाक्षी शर्मा को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।